Good morning, students. How are you all? Okay, open your book, maths, from 1, and come to page number 21. Okay, practice 1.5. Okay, students. Now, question number 1, let's start. Write all the even and odd numbers between the following numbers in the space given below. देखो, it means हमको ना even and odd numbers को found करना है, ठीक है? अब मुझे बताओ कि हम इवन एंड ओड नंबर्स को कैसे फाइंड करेंगे, उनकी क्या पहचान होती है बेटा, कैसे पहचान में आते हैं? देखो, इवन नंबर्स के लास्ट में अगर 0, 2, 4, 6, 8 अगर उनके लास्ट में ये डिजिट हों 0, 2, 4, 6, 8 तो वो क्या कहलाएंगे? इवन नंबर, ठीक है? ओड नंबर, ओड नंबर के लास्ट में 1, 3, 5, 7 and 9, ठीक है? अगर ओड नंबर की पहचान क्या होगी, अगर किसी भी नंबर के लास्ट वाली डिजिट 1, 3, 5, 7, 9 है तो वो ओड नंबर होगा। इसी तरह से इवन नंबर को कैसे पहचानेंगे हम, किसी भी नंबर की लास्ट डिजिट अगर 0, 2, 4, 6, 8 ये होगी तो वो इवन नंबर होगा, ठीक है? जैसे कि ये एक नंबर है, ठीक है? अब इसके लास्ट वाली डिजिट क्या है? 2, ठीक है? तो ये 2 कहाँ पे आ रहा है? इवन में, है ना? तो ये कौन सा नंबर हुआ? इवन। अब सपोज़ करो हमने यहाँ पे 3 लगा दिया, ठीक है? तो अब इसकी लास्ट डिजिट कौन सी हो गई? 3। अब 3 कहाँ पे आ रहा है? ओड नंबर पर, ठीक है? तो अब ये कौन सा नंबर बन गया? ओड। अब सपोज़ करो अपन ने यहाँ पे 4 लगा दिया, ठीक है? तो अब इसकी लास्ट वाली डिजिट क्या हो गई? 4, है ना? अब 4 कहाँ पे? ये यहाँ पर, ठीक है? और ये इवन नंबर है, ठीक है? तो ये हो गया इवन, ठीक है? अभी एक एग्जांपल और देता हूँ मैं आपको, वन मोर एग्जांपल, 2, 4, 6, 3। अब मुझे बताओ कि ये वाला ओड है या फिर इवन है? अब कैसे पता करेंगे? देखो, हमें सबसे पहले क्या देखना है? सबसे लास्ट वाली डिजिट सबसे लास्ट वाली डिजिट क्या है? 3। अब ये 3 कहाँ पे आ रहा है? इवन में तो नहीं है, 0, 2, 4, 6, 8। ओड में देखते हैं, 1, 3, ये रहा 3, तो ये कौन सा है? ओड नंबर, ठीक है? एक और एग्जांपल देखते हैं अपन, 5, 6, 7, 8, 1, 0, ठीक है? अब इसको फाइंड करते हैं हम कि ये ओड है या इवन है, ठीक है? अब ये 0 कहाँ पे आ रहा है? लास्ट वाली डिजिट क्या है इसकी? 0, ठीक है? 0 ये रहा इवन में, ठीक है? तो ये हो गई हमारी इवन, ठीक है? आपको बस थोड़ा सा लर्न करना है कि इवन नंबर की लास्ट डिजिट में क्या आता है, 0, 2, 4, 6, 8, ठीक है? इसी तरह से ओड नंबर्स में क्या आता है? 1, 3, 5, 7, 9, ये इनकी लास्ट डिजिट्स में आते हैं, ठीक है? इस तरह से हम इनको फाइंड करेंगे। अब देखो अपन क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं, ठीक है? अब ये देखो, ए वाले क्वेश्चन में हमारे पास 2 नंबर्स हैं, 157 एंड 170, ठीक है? अब यहाँ पे इवन नंबर्स हैं और यहाँ पे ओड नंबर्स हैं, तो हमको इन दोनों में से फाइंड करना है कि सबसे पहले इवन नंबर कौन सा है, ठीक है? अब इवन नंबर का क्या है?
इवन नंबर यानी कि 0 2 4 6 8, यहाँ पे कुछ आ रहा है इवन नंबर में? कौन सा आ रहा है? 0 2 4 6 8 नहीं है। यहाँ पे देखते हैं 0, ये रहा अपना इवन नंबर, तो इस इवन नंबर को अपन यहाँ लिख देंगे, ठीक है। अब ओड नंबर देखते हैं, ओड नंबर में क्या होता है? ओड नंबर में होता है हमारा, ये देखो ये ओड नंबर, ठीक है, यहाँ मैंने ओड नंबर लिख दिया 1 3 5 7 एंड 9, ठीक है। और इवन नंबर भी लिख दिया मैंने यहाँ पे, इवन, इवन में है 0 2 4 6 8, ठीक है। अब ओड नंबर में 157, सेवन कहाँ आ रहा है? ये रहा, तो ओड नंबर कौन सा है? 157, ठीक है। अब ये देखते हैं हम 9666, लास्ट वाली डिजिट क्या है? 6, ठीक है। अब कैसे फाइंड करेंगे? तो लास्ट वाली डिजिट देखते हैं हम, 6 कौन से में? 0 2 4 6, यानी कि इवन नंबर में। तो इवन नंबर में हम कौन से डिजिट, कौन सा नंबर लिखेंगे? 9666, ठीक है। अब ओड नंबर, ठीक है, देखते हैं ये कौन सा है, 9679। अब ये जो लास्ट डिजिट है ये क्या है? 9 है। अब 9 किस में होनी चाहिए? इवन में तो नहीं है, ओड में 13579, देखो ये देखो, तो ये कौन सा नंबर है? 9679, ठीक है। अब सी 4060 एंड 4075, ठीक है। अब इवन नंबर्स को फाइंड करते हैं, इवन नंबर्स की पहचान क्या है? कि जिसके लास्ट वाले डिजिट 0 2 4 6 8 हो। अब इसमें 0 2 4 6 8, देखो 0 ये रही लास्ट, ठीक है, तो ये हो गया आपका इवन नंबर 40 एंड 60, 4060। एंड ओड नंबर, ओड नंबर ये रहा क्योंकि इसके लास्ट डिजिट 5 है, 4075, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2, सर्किल द मैंगोस डैट हैव इवन नंबर्स राइट ऑन देम। देखो अब इनमें हमको फाइंड करना है इवन नंबर्स, ठीक है, और इवन नंबर्स के लिए हमको क्या देखना है कि लास्ट वाली डिजिट क्या होनी चाहिए? 2 0 2 4 6 8, तो 4 ये वाला हो गया, 2 ये वाला हो गया, 0 ये वाला हो गया, 4 ये वाला हो गया, 4 ये वाला हो गया एंड 0, ठीक है। तो अब इन पर क्या करना है? सर्किल, सर्किल दी मैंगोस, ठीक है, कर लो सर्किल, ये वाली पे, इस वाली पर, इस वाली पर, यहाँ पर, यहाँ पर एंड यहाँ पर। क्यों किया? क्योंकि इनकी लास्ट वाली डिजिट इवन नंबर वाली थी। इवन नंबर में कौन कौन से डिजिट आती हैं लास्ट में? 0 2 4, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3, क्रॉस द एप्पल्स डेट हैव ओड नंबर्स रिटन ऑन देम। अब देखो इन एप्पल्स में से वो नंबर फाइंड कर दें जो इवन, सॉरी ओड हो। ओड नंबर के क्या होता है लास्ट में? लास्ट में क्या होता है? लास्ट वाली डिजिट 1 3 5 7 9, क्या क्या होती हैं इवन नंबर? 1 3 5 7 एंड 9, ठीक है, ये होते हैं। अब फाइंड करो ये वाले डिजिट्स किस किस नंबर में लास्ट हैं। देखो एक तो ये रहा 7 7 1 9 5 एंड 3, ये हमारी, अब इनको क्या करना है? हमको क्रॉस करना है, कर दो क्रॉस। ठीक है, हमने सबसे पहले फाइंड किया कि भाई किस किस नंबर में लास्ट वाली डिजिट 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, ठीक है। तो जिन जिन नंबर्स को हमने क्रॉस किया है वो सारे इवन नंबर्स थे, ठीक है, सॉरी ओड नंबर्स थे, ओड नंबर्स, ठीक है, ये हैं ओड नंबर और ये हैं आपके इवन नंबर। इवन नंबर कौन कौन से हैं? 0 2
6 एंड 8, ठीक है। अब आपका आ गया क्वेश्चन नंबर 4। राउंड ऑफ द फॉलोइंग टू द नियरेस्ट 1000, वन इज डन फॉर यू, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं, ये कैसे होगा देखो। राउंड ऑफ करना है हमको नियरेस्ट 1000 से। तो फर्स्ट तो इसमें हो रखा है, अपन बी करते हैं 7741, 7741, ठीक है। ये हमारे पास नंबर है जिसको हमको राउंड ऑफ करना है, ठीक है। और हमको किस में करना है, 1000 में, ठीक है। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, प्लेस फाइंड करेंगे। कौन सा प्लेस, वंस, टेंस, हंड्रेड एंड थाउजेंड। तो हम देखेंगे 100 प्लेस, ठीक है। अब 100 प्लेस पर अगर देखो, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट एंड नाइन, ठीक है। अगर 100 प्लेस पर ये 7 है ना, यानी कि इस लाइन से नीचे जो भी नंबर है 5 6 7 8 9, इनमें से अगर कोई भी नंबर है तो ये जो 1000 वाला नंबर है ना, ये 8000 हो जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ 7 की जगह 1 2 3 4 होता तो फिर ये नंबर क्या होता, 7000, ठीक है। एक बार और समझाता हूँ दूसरी तरीके से, कि हमारे पास एक नंबर है 7741, इसके नियरेस्ट 1000 कौन कौन से होंगे। सबसे पहला 7000 होगा एंड सेकंड वाला होगा 8000, ठीक है। बट दोनों तो हो नहीं सकते, ठीक है। तो हमको फाइंड करना है कि इसमें से राइट वाला कौन सा है, ठीक है। अब राइट वाला कौन सा है, तो 1000 तो ये है ही, ठीक है। 1000 वाला प्लेस तो ये है ही, वंस, टेंस, हंड्रेड एंड थाउजेंड, ठीक है। जब भी 1000 का राउंड ऑफ 1000 करेंगे तो उसके लिए हमको डिजिट कौन सी देखनी पड़ेगी, 100 वाली, यानी कि इसके नेक्स्ट वाली। नेक्स्ट वाली कौन सी है, ये 100 प्लेस वाली। अब ये 100 प्लेस पर क्या है, 7, ठीक है। अब 7 कहाँ पे है, इस लाइन के नीचे। अगर इस लाइन के नीचे है तो ये नीचे वाला 8000 हो जाएगा, ठीक है। अगर इस लाइन के ऊपर वाला होता, सपोज करो ये होता 3, ठीक है, यहाँ पे, तो ये हो जाएगा आपका 7000, ठीक है। एक और देखो क्वेश्चन नंबर सी, 1554, ठीक है। इसके नियरेस्ट 1000 क्या क्या होंगे, 1000 एंड 2000, ठीक है। अब देखो, वंस प्लेस, टेंस प्लेस, हंड्रेड प्लेस एंड थाउजेंड प्लेस। जब हमको राउंड ऑफ 1000 करना हो तो हम 100 प्लेस वाली डिजिट देखते हैं। अब ये जो डिजिट है 5 वाली, ये उस लाइन के नीचे है या ऊपर है, इस लाइन के नीचे है ना, यानी कि 5 6 7 8 9, ठीक है। तो ये डिजिट कौन सी है, 5, ठीक है। तो ये नीचे वाला हो जाएगा आपका 2000, इसका राउंड ऑफ क्या हो जाएगा, 2000, ठीक है। अब अपन देखते हैं ई, ठीक है। 8426, ओके। अब सबसे पहले देखो, वंस, टेंस, हंड्रेड एंड थाउजेंड, तो इसका आपको क्या करना है, नियरेस्ट 1000। ये क्या है, 8000, और इसका नेक्स्ट क्या होगा, 9000, ठीक है। अब हमको फाइंड ये करना है कि 8000 ठीक है या 9000 ठीक है। तो इसके लिए हमको क्या फाइंड करना है, 100 वाली डिजिट, ठीक है। 100 वाली प्लेस पर कौन से डिजिट है, 4, और 4 उस लाइन से नीचे है या ऊपर है,
इस लाइन से ऊपर है, तो अपने पास ऊपर वाली होगी। कौन सी है ऊपर वाली? ये 8000। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आपका आंसर हो गया 8000। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। मैं आपको और बता देता हूँ, ये तो आपको होमवर्क करनी है, जो रिमेनिंग क्वेश्चन है मैं अपनी ओर से आपको दो तीन क्वेश्चन और बता देता हूँ। जैसे कि मेरे पास है 1234, यानी कि 1234। अब मुझे इसका नियरेस्ट 1000 फाइंड करना है। ठीक है, इसका नियरेस्ट 1000 एक तो हो गया 1000, ठीक है, एंड 1000 के नेक्स्ट वाला कौन सा होता है? 2000। ठीक है, अब ये डिजिट है ना, ये 1000 एंड 2000 के बीच की तो है, बीच वाला नंबर ही तो है 1000 एंड 2000 के बीच वाला। ठीक है, अब मुझे फाइंड करनी है इनकी 100 प्लस वाली वैल्यू। 100 प्लस पर क्या है? 2। ठीक है, अब 2 ऊपर है या नीचे है? ये 2 यहाँ पे है ना, 1 2 3 4। अब इसके नीचे तो ये 9 आ गई, इसके नीचे है 5 6 7 8 9। ठीक है, अब मुझे बताओ कि 2 कहाँ पर है? ऊपर है ना, तो ये ऊपर वाली डिजिट ठीक हो गई। ठीक है, एक और देखो, 6712। ठीक है, अब मुझे बताओ कि इसका नियरेस्ट 1000 कौन कौन से होंगे? एक तो होगा आपका 6000 और एक होगा आपका 7000। क्यों होंगे ये? क्योंकि 1000 तो इससे पहले वाला है और 1000 इसके बाद वाला, यानी कि 6000 और 7000 के बीच में ही तो है ना ये। अब देखो, ये जो 100 प्लेस पे जो वैल्यू है ये क्या है? 7, और 7 कहाँ आती है? नीचे, तो ये नीचे वाला हो गया। ठीक है, अब 1499, ठीक है, ये हो गया आपका 1499। ठीक है, अब इसके नियरेस्ट 1000 क्या होंगे? 1000 एंड 2000। ठीक है, अब अपन क्या देखनी है? 100 प्लेस वैल्यू। अब 100 प्लेस वैल्यू पे क्या है? 4। अब ये 4 कहाँ पे? ये ऊपर है इस लाइन से, तो ये ऊपर वाला हो गया। ठीक है, एक और देखो, 9999। ठीक है, अब इसकी प्लेस, इसका नियरेस्ट 1000 क्या होंगे? एक तो 9000 होगा और एक होगा आपका 10000। ठीक है, अब इसकी 100 प्लेस वैल्यू क्या है? 9। अब 9 कहाँ आ रहा है? नीचे वाली पे, इस लाइन के नीचे, तो इसका ये हो गया। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बाकी अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे व्हाट्सअप कर देना, मैं आपको बता दूंगा। अब आपको करना क्या है, ये हमारी 1.5 कंप्लीट है। ठीक है, अब आपको ना रोमन नंबर्स ये जो है पूरा एंड इस पेज पर इसको आपको स्टडी करना है। ठीक है, पेज नंबर 22, 23, ठीक है, एंड 24। पेज नंबर 22, 23 एंड 24 को आपको स्टडी करना है एक बार, उसके बाद अपन नेक्स्ट क्लास में 1.6 करेंगे। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, बाय, टेक केयर।